पिछले साल में एक सॉन्ग के लिए हमने एक लड़की की प्रोफाइल टीम ने दिखाई, हमने सेलेक्ट किया, जब उसे बुलाया तो वो लड़की कुछ अलग ही लड़की निकली। तो मतलब भाई इतने फिल्टर या इतना मेकअप भी यूज ना करें कि सामने वाला आपको कुछ और जज करे और जब आप सामने जाओ तो कुछ और निकलो। कि हर एक घर में इंसान पहलवान है, क्योंकि जो शरीर तगड़े हैं वहाँ के देसी खुराकें, हर आदमी चाहता है कि उसका बेटा कुश्ती कबड्डी करे ही करे। ये एक विरासत है, ये विरासत है। 95% गांव के लोग कुश्ती कबड्डी हर घर का बच्चा करता ही करता है, ये विरासत है। हरियाणा जो है वो पंजाब को देख के हमेशा सीखता है। जैसे कि आर्टिस्ट, हम पहले यहाँ के सॉन्ग और कंपोज म्यूजिक यहाँ से लेते थे, उन पे मतलब कॉपी बनाते थे। उसके बाद जैसे आज बाहर पंजाब, पहले कितने दिन पहले जाने लगा था पंजाब बाहर, अब हरियाणा जा रहा है। भाई सपना चौधरी जी के साथ भी हमने ना काम किया, तो हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि ना जैसे आपके गाने हैं, सिर पे घूंघट लेके नाचना है ना, लड़कियों का नाचना, गाने जैसे मर्जी होना है ना, भी ठुमके लगाने। जब लड़कियां घर से ना घरवाले निकलने देते थे तो पाबंदियां थी बहुत ज़्यादा, सपना चौधरी ने वो पाबंदियां कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हटवाने का काम किया है। वहाँ पे ऐसा भी होता होगा शायद, क्योंकि मैंने सुना था कहीं कि जब तक आदमी खाना नहीं खाते तब तक औरतें खाना नहीं खाती, बात खाती हैं। तो मतलब ये कभी से चलता आया है, हमने देखा। आजकल तो साथ खाने लगे हैं, ठीक है, लेकिन हमने अपनी माँ, आंटीज, दादी, मतलब उनको देखा, सब पहले आदमियों को खाना खिला दिया जाता, उसके बाद बाबू सोना वाला प्यार हो गया है। कि पाजी का इंटरेस्ट लव मैरिज की तरफ ज़्यादा आ रहा है, तो हम थोड़ा लव की बातें करते हैं। पाजी प्यार श्यार क्या है, आपकी सहेली सुली है कि नहीं? नहीं देखियो यार, केड़ा मतलब विश्वास कर लूंगा थोड़ी देर यार। तो मैं कब कह रहा हूँ विश्वास करो। एमी जैसा स्क्रीन पे दिखता उससे प्लस इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। जब वैनिटी में जाते थे, मैं अपनी वैनिटी में जाने होता राजा हैं, खुद बादाम रगड़ के पिलाने, ठीक है, मैं और वो लगते कुंडी में वो करके। हाँ ये जो वो क्या बोलते हैं, तो शरदाई बोलते हैं, शरदाई बोलते हैं ना, बादाम वो घोट के वो खिलाना, तो वो हरियाणा में होती बनाते हैं वो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अखाड़े में सबसे पहले, अखाड़े से जब घर आता है सबसे पहली खुराक वो होती है। आप दिलजीत दोसांझ जी को देखो, उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया है। तो हमारे भी आर्टिस्ट सोच रहे हैं यार, मतलब वहाँ तक पहुँचना तो बड़ी बात है, वहाँ उस जो रास्ता जो उन्होंने बनाया उस रास्ते पे चले जाए। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, गेस्ट बड़ी कमाल हैं, बड़ी खास हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हरियाणा में क्यों बात कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट हैं वो भी हरियाणा से है, आपके फेवरेट हैं, हमारे फेवरेट हैं, बड़े ठुमक ठुमक के आप इनके गानों में, वही शादी ब्याहों पे नाचते हो, हम खुद भी नाचे हैं। तो प्लीज वेलकम अजय हुड्डा भाई। भाई क्या हाल चाल? राम राम जी, सबने सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया, कैसे हो? बहुत बढ़िया, ठीक हो? हरियाणवी मेरी ठीक थी भाई? नहीं बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छी टोन थी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई हम आज पहली बार मुलाकात हो रही है आपके साथ, तो किसी हरियाणवी आर्टिस्ट के साथ हम मिले ना, तो कोशिश करेंगे चलो थोड़ा थोड़ा हरियाणा टच आए। ना ना बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी फील करता हूँ कभी कभी पंजाबी बोलने की कोशिश करता हूँ, है ना। ग्रेट, एंड वेलकम टू पंजाब, एंड पंजाबी फिल्म करके हमें बड़ी खुशी हुई भाई। मुझे आपसे ज़्यादा खुशी हुई। बहुत खुशी हो रही है कि मतलब पंजाब में इतना प्यार मिल रहा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा, पहले पंजाब ही था, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हरियाणा और पंजाब एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। हाँ। तो मतलब हरियाणा पंजाब एक ही है। क्या बात है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है भाई आपके गाने, हमारे पंजाबियों में जब शादी होती है ना कोई, तो हरियाणवी गानों पे डांस ना बड़ा खुल के होता है, खिलर खिलर के लोग नाचते हैं। हाँ। खिलर खिलर के लोग नाचते हैं, तो आपके गाने यार मतलब कि कमाल ही छाए बड़े हैं हरियाणा में, तो चलते चलते मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड चलते हैं। मेरा एक दोस्त था, मेरे को कहता कि मैं उस टाइम उत्तराखंड में था, तो उत्तराखंड में भी भज के गाने ना बड़े यू नो ऐसे चल रहे थे कि लोग जमीनों पे लेट लेट के नाच रहे थे। पता है क्या, एक हिंदी के जो सबसे नज़दीक बोली है, भाषा है, वो है हरियाणवी। हरियाणवी और हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं है, जो हिंदी समझता है वो हरियाणवी समझता है, इसलिए हरियाणवी को आज ज़्यादा लोग मतलब सुन रहे हैं। वैसे आज तक की आपकी कौन सी ऐसी वीडियो आपने देखी जो गाना आपने गाया हो तो बंदे पूरा अलग तरीके से नाच रहे हैं, जिसमें आपको भी फील हुआ हो कि अरे भाई ये कैसे कैसे नाच रहे हैं लोग? फिलहाल कल्लो सॉन्ग आया जो, तो उसकी एक वीडियो देख रहा था मैं, तो उसकी वाइफ जो थी, वो वाइफ और हस्बैंड डांस कर रहे थे, वो वाइफ काली नहीं थी, तो उसने क्या किया, काला तेल लगाया, वो मतलब गाँव की थी कोई शादी की, और उसने मुँह पे लगा दिया और बोला कल्लो, ठीक है, तो अब हो गई कल्लो। तो वो फनी भी था और मतलब उस पर गुस्सा भी आया, यार ऐसा नहीं करना चाहिए, मजाक को मजाक की तरह रखें, लेकिन ऐसा नहीं, आँख में भी लग सकता कलर। ये कल्लो गाना हमने भी सुना है, पर सुना हमने यूट्यूब पे है, पर आपके मुंह से सुनेंगे। बिल्कुल जी।
आई थी सिंगल हड्डी रे मर खाखा होगी ठाडी रे, मैं बता भी दूं इसका मतलब। जब हमारे घर शादी करके तुम आई तो बिल्कुल सिंगल हड्डी थी, हमारे घर में खा खा के तुम बिल्कुल ठाडी मतलब बहुत मोटी हो गई हो, तो वो उसको चिढ़ा रहा है हस्बैंड। आई थी सिंगल हड्डी रे मर खाखा होगी ठाडी रे, तेरी कमर का कमरा हो रहा है, मतलब जो कमर थी अब कमरा हो चुकी है, थोड़ी हाँ थोड़ी चाल्या कर तू सलो रहा, मतलब सलो चला कर ब्याह पाचा, जब मेकअप उतरा लिकड़ी असली कलर, मैं शादी का फोटो जो देखा तब तो गोरी थी, जब सामने आई अगले दिन मेकअप उतरा शादी के बाद तो कल्लो निकली काली निकली, तो वो फनी है। ऐसा इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ है कि भाई पता चला हो कि भाई जैसे किसी लड़की को डेट करने गए हैं, की तो होगी, मेरे को तो ये पता आपने किसी लड़की को डेट तो किया ही होगा, लड़की को नहीं लड़कियों को किया होगा, पर कभी ऐसा पता चला अरे यार इसने तो मेकअप भी बड़ा किया हुआ है? नहीं, मेकअप वैसे बनाई लड़कियों के लिए तो करना भी चाहिए उन्हें अच्छा लगता है मेकअप करना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं पर कई बार ना ऐसे वीडियोस काफी बनते हैं भाई जी, ट्रोल बहुत बार बनते हैं कि जैसे लड़कियां, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे रील्स में देखते होंगे ना कि वीडियो जब मेकअप करता है तो लड़की इतनी सुंदर होती है, जब मेकअप उतरता है तो भैया ये क्या हो गया? नहीं ऐसा हुआ, मतलब पिछले साल में एक सॉन्ग के लिए हमने एक लड़की की प्रोफाइल टीम ने दिखाई, हमने सेलेक्ट किया, जब उसे बुलाया तो वो लड़की कुछ अलग ही लड़की निकली। अब सूट करे या ना करे, मतलब थोड़ी देर के बाद कहना पड़ा कि सूट कैंसिल अलग तो ऐसा हुआ कि प्रोफाइल कुछ अलग तरीके से थी, ठीक है, जब सामने आई कुछ और तरीके से थी, तो मतलब भाई इतने फिल्टर या इतना मेकअप भी यूज ना करें कि सामने वाला आपको कुछ और जज करे और जब आप सामने जाओ तो कुछ और निकलो। ये ना आपने बड़ा गहरा एक सच बोला है ये सच है, सच में बहुत इतने फिल्टर यूज, मैं खुद नहीं करता यार इतने फिल्टर यूज नहीं करने चाहिए। सोनम बाजवा को जब आपने हरियाणवी सिखाई, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो आपने सिखाई होंगी ना, क्योंकि वैसे तो चलो उन्होंने जो ट्रेनिंग ली वो ली, जब सोनम बाजवा के सामने, आपके सामने जब सोनम बाजवा जी हरियाणवी में बात कर रहे थे, तो वो मेरे को मूवमेंट बताओ कि सोनम बाजवा के मुंह से हरियाणवी, क्योंकि आपने कुछ योगदान दिया, आपको कैसी लगी हरियाणवी जब सुनी आपने, कुछ फनी सी चीजें हुई थी? देखिए पहली बात तो था, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वो पूरी तैयारी के साथ प्रिपरेशन के साथ आए थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये रहता था कि ये सामने जो करेक्टर है वो हरियाणा से है, तो मैं मतलब जो भी बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, वो सिर्फ ये पूछती थी कि मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है, और तकरीबन हमेशा ही वो मतलब सही ही बोलती थी, वो पूरी तैयारी के साथ थी, और उन्होंने बहुत सच में बहुत कमाल की हरियाणवी बोली है, ठीक है, जब भी कुछ हुआ दो चार वर्ड थे शायद मैं बताए होंगे उन्हें, सिखाए भी होंगे, लेकिन सच में मतलब वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है यार, कमाल है। और कुछ भाजी ऐसी कुछ मूवमेंट हुई हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब लैंग्वेज वाइज कोई फिल्म बनती है ना, तब हंसी मखौल तो रोनके लगती हैं, क्योंकि वो ना कुछ फनी सा एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, है ना, क्योंकि अब ये सुनो कि अगर हम कोई फिल्म अगर हरियाणवी, क्योंकि पंजाब के लोग सडनली एक हरियाणवी फिल्म कर रहे हैं ना, तो कुछ नाम को गलत तरीके से बोल देना जिसमें यू नो हंसी सी आती है, अरे यार इसका मतलब ये नहीं ये है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था सेट पे? हाँ हुआ था, वो वर्ड बोलने में बड़ा अजीब रहेगा, मतलब ऐसा हो जाता था, मतलब एक वो नहीं और भी आर्टिस्ट थे, ठीक है, जो हरियाणवी बोलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो गया था, तो पूरे सेट पे वहाँ जितने भी गांव वाले थे वो बहुत हंसे थे बताने लायक है नहीं वो नहीं है सच में, बाकी बहुत मजा आया सच में। ग्रेट। एंड पाजी आपका जैसे आर्मी बैकग्राउंड है ना, आपने भी आर्मी में नौकरी की है ना 15 साल, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, है ना 15 साल आपने आर्मी में काम किया, आर्मी के बाद यहाँ पे शिफ्ट क्यों वजह कि भाई पता कैसे चला कि भाई अजय हुड्डो का भी ये चीज़ लगी कि अब चलो भाई गायकी करनी है, ठुमके लगवाने हैं लोगों के? देखिए जब मैं आर्मी में था, तो जब मैं 2001 में आर्मी ज्वाइन की मैंने, तब चिट्ठियों का जमाना था, चिट्ठियाँ लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते लिखते घर में मतलब कब गीत लिखने लगा मैं, मतलब घर में लिखता था, वाइफ को चिट्ठी लिखी, तो वो चिट्ठी के अंदर मतलब शेर व शायरी हरियाणवी में होती थी, धीरे धीरे वो शायरी मतलब गीत के रूप में, मैं मतलब जब भी बॉर्डर पे खड़ा हूँ कुछ फील कर रहा हूँ वो लिख दिया मैंने, मुझे याद है आज भी 2002 में मैंने पहली रागनी लिख के भेजी थी अपनी वाइफ को, मोर्चे के माखड़े जाट के याद जाटनी आ गई, जे चल रहे कोड़ी गोले रवड़े जान डाटनी आ गई, तो मतलब वो तो उन्हें अच्छा लगता था, वो बोलते थे कि मतलब यही लिखा करो, यही लिख के भेजा करो, तो वो चीज़ें हैं, फिर मतलब धीरे धीरे लिख लिख के आप मतलब कब यहाँ आया मुझे सच में ये नहीं पता है, मैंने पहली एल्बम की थी 2009-10 में, तो बड़ी फ्लॉप थी वो फिल्म वो एल्बम, तो उसके बाद मतलब एक दो साल नहीं भी किया, लेकिन मतलब फिर मतलब कीड़ा होता है ना अंदर एक आर्टिस्ट को, वो जीने नहीं देता है,
आते गए, लोग प्यार देते गए और आज यहाँ तक हूँ, मुझे बहुत खुशी है, आज मैं पंजाब में हूँ। ग्रेट भाजी। एंड भाजी वैसे अगर देखा जाए हरियाणा के छोरों ने ना, कहते पंजाब हरियाणा जो है ना ये भाई भाई आपस में, तो दोनों स्टेटों में दोनों जगह पर कोई भी इंसान अगर तरक्की करता ना तो वो बड़ा प्राउड फील होता है, पूरे इंडिया को जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। हरियाणा के बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो आज बहुत अच्छे मुकाम पे सेट हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, जैसे एलविश यादव हो गया, अंकित बयानपुरी हो गया, आप भी हो गई, और कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो नेशनल लेवल तक गए हैं, है ना। तो आप ये चीज़ कैसी आपको फील होती है कि भाई जब हरियाणा के लोग इतना ज़्यादा यू नो हाइट अपनी अचीव कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि आपकी बात होती थी कभी अलविश या अंकित के साथ या कितने लोगों के साथ? हाँ, हमेशा हम आपस में फॉलो भी करते हैं और मतलब बातचीत भी होती रहती है। और सच बताऊँ मैं हरियाणा से, तो हरियाणा जो है वो पंजाब को देख के हमेशा सीखता है। जैसे कि आर्टिस्ट, हम पहले यहाँ के सॉन्ग और कंपोज म्यूजिक यहाँ से लेते थे, उन पे मतलब कॉपी बनाते थे। उसके बाद जैसे आज बाहर पंजाब, पहले कितने दिन पहले जाने लगा था पंजाब बाहर, अब हरियाणा जा रहा है, ठीक है। अब पंजाबी जैसे आप दिलजीत दोसांझ जी को देखो, उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया है, तो हमारे भी आर्टिस्ट सोच रहे हैं यार मतलब वहाँ तक पहुँचना तो बड़ी बात है, वहाँ उस जो रास्ता जो उन्होंने बनाया उस रास्ते पे चले जाए, तो मतलब हम देख रहे हैं सच में, और जो भी सीखते हैं वो पंजाब को देख कर सीखते हैं। और भाजी पहलवानी और चूरियाँ है ना, ये हरियाणा की देसी खुराकें हैं, चूरियाँ देसी खुराकें, पहलवानी एक यू नो एक वो चीज़ है जहाँ से यार हरियाणा के लोग, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हर एक घर में इंसान पहलवान है। हाँ, क्योंकि जो शरीर तगड़े हैं वहाँ के, देसी खुराकें, तो मैं ये थोड़ा कल्चर जानना चाहूँगा अजुड्डा भाजी कि इस कल्चर के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है यार कि जब यू नो ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि लोग वहाँ पे जिम शिम कम लगाते हैं, देसी खुराकों पर ज़्यादा रहते हैं, तो कुछ मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा, प्लीज़ बताओ। देखिए जो गाँव देहात है वो आज भी अगर बच्चा इतना लड़का इतना बड़ा हो जाता है, 6-7 साल का हुआ तो उसे मिट्टी में खेला, एक दूसरे के पड़ोसी के लड़के के साथ कुश्ती करवाना, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ अखाड़े में भेजना, वो मतलब हर आदमी, मतलब चाहे मैं हूँ या हमारे बच्चे हों, ठीक है, हर आदमी चाहता है कि उसका बेटा कुश्ती कबड्डी करे ही करे। ये एक विरासत है, ये विरासत है, ये हर घर की विरासत है। 95% गांव के लोग कुश्ती कबड्डी हर घर का बच्चा करता ही करता है, ये विरासत है। इसके अलावा कोई और चीज सोचते नहीं हम? नहीं, आजकल तो सोचने के लिए स्कूल्स हो गए हैं अच्छे, वहाँ बताते हैं ये भी गेम कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, जैसे नीरज भाई का कैसे निकले हैं, तो मतलब सिखाते हैं, लेकिन वो सबसे पहले जो है, सबसे पहले वो है क्या बात, कुश्ती। तो जो अभी मैं जानना और थोड़ा डीप में जानना चाहूंगा कि जैसे म्यूजिक बनाने, गाने लिखने या कुछ करने, पंजाब में क्या है, पंजाब में हर दूसरे बंदे को ये शौक है, कोई लिखता है, कोई गाता है, किसी को एक्टिंग का शौक है। हरियाणा में हमने देखा है कि हर एक, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि हर एक इंसान को ग्राउंड में जाने का शौक है, कुश्ती करने का शौक है, वहां पे ये शौक नहीं है? नहीं, कलाकारी का है अभी, मतलब यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है तो वहाँ 6ठा 7वां होगा, बस इतना फर्क है, डिस्टेंस है, हो गया है। लेकिन मैंने बताया ना, यहाँ से मतलब पहले 10-15 साल पीछे चलते थे, अब 5-7 साल पीछे हैं, और अगर ऐसे ही पंजाब सपोर्ट करता रहा तो बराबर में खड़ा कर देगा हरियाणा को। क्या बात है भाजी, बिल्कुल वाह। और अजय हुड्डा भाजी, पंजाब में जब आप फिल्म कर रहे थे तो एमी भाजी के साथ जो बॉन्ड था, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे आर्टिस्ट पंजाब के ना बड़े ही फ्रेंकली और बड़े ही वो हैं, दिल खुश मस्त एकदम वाले बंदे हैं, है ना, जो भी काम करता है चलो एक वो या तो हंसता खेलता है या एक अच्छा फील करता है, क्योंकि पंजाब के लोग हरियाणा के लोग दोनों है तो सेम ही, पर फिर भी जब हरियाणा का आर्टिस्ट पंजाब के आर्टिस्ट के साथ काम करता है तो बड़ी सारी चीज़ें ना यार खुश करते हैं इंसान को ज़िंदगी में और आगे बढ़ने के लिए। तो एमी पाजी के साथ जो आपने जो बॉन्ड अपना यू नो जो टाइम स्पेंड किया, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कैसा हमारा भाई का नेचर है? नहीं लगा, एमी जैसा स्क्रीन पर दिखता है उससे प्लस इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, इसलिए वो इतनी अच्छी मतलब एक्ट कर पाता है, क्योंकि वो इंसान ही इतना प्यारा है, इसलिए इमोशनल कर पाता है वो लोगों को। और उसके साथ तो बिल्कुल भाई का मेरा वो बाउंड रहा कि जब वो खुद जब वैनिटी में जाते थे, मैं अपनी वैनिटी में जाने होता इधर आ जा बाजी, हैं खुद बादाम रगड़ के पिलाने, ठीक है, मैं और वो लगते कुंडी में वो करके, ये जो वो क्या बोलते हैं, शरदाई बोलते हैं, शरदाई बोलते हैं ना, बादाम वो घोट के वो खिलाना, तो वो हरियाणा में होती बनाते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, अखाड़े में सबसे पहली, अखाड़े से जब घर आता है सबसे पहली खुराक वो होती है। वाह, वो तो जरूरी। और एमी भाई खुद
घोट के पिलाते थे, हम इकट्ठा करते थे सारा काम, और जब पी गए अपनी रिलेटिव्स जाने थे, क्योंकि मतलब सर्दी थी, मैं कहता था भाई अवॉइड करते, बोला नहीं 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 सर्दी और गर्मी ये जरूरी है, ठीक है ये जरूरी। वाह। एंड भाई सपना चौधरी जी के साथ भी आपने ना काम किया है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि ना जैसे आपके गाने हैं सिर पे घूंघट लेके नाचना है ना, लड़कियों का नाचना, गाने जैसे मर्जी होना है ना, भी ठुमके लगाने, कैसा है ना बॉन्ड है उनके साथ सपना जी के साथ, क्योंकि अब आजकल वो शायद मिस हैं, तो मैं जानना चाहूँगा जरूर। नहीं मिस नहीं है, अभी उन्होंने हरियाणा बहुत बड़ा गाना दिया जलेटू। मैं कहूँगा कि सपना जी एक बहुत बड़ा नाम है, नाम के साथ वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि उन्होंने वो रास्ता हरियाणा की लड़कियों के लिए बनाया है। जब लड़कियाँ घर से ना घर वाले निकलने देते थे, पाबंदियाँ थी बहुत ज़्यादा, सपना चौधरी ने वो पाबंदियाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हटवाने का काम किया है, ठीक है, एक मतलब चीज़ बदली है, बदलाव का हिस्सा रही है वो। मेरे को ऐसा लगता है कि हरियाणा में लोग इतने मॉडर्न नहीं सोचते, है ना, लड़कियों के घूंघट को उठाना भी वहाँ पे लोग वो नहीं समझते कि भाई अच्छी बात नहीं है, भाई घूंघट अपना लेके रखो, अपनी जो विरासत से मिली हुई चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलो खाओ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा भी होता होगा शायद, क्योंकि मैंने सुना था कहीं कि जब तक आदमी खाना नहीं खाते तब तक औरतें खाना नहीं खाती, बात खाती हैं, तो मतलब ये कभी से चलता आया है। हमने देखा आजकल तो साथ खाने लगे हैं, ठीक है, लेकिन हमने अपनी माँ आंटीज दादी मतलब उनको देखा, सब पहले आदमियों को खाना खिला दिया जाता उसके बाद खाती थी, ठीक है, लेकिन आजकल तो लव मैरिज ज़्यादा बढ़ रही है तो साथ खाते हैं, बाबू सोना वाला प्यार हो गया है कि पाजी का इंटरेस्ट लव मैरिज की तरफ ज़्यादा आ रहा है, तो हम थोड़ा लव की बातें करते हैं। पाजी प्यार श्यार क्या है, आपकी सहेली सुली है कि नहीं? नहीं देखियो यार केड़ा मतलब विश्वास कर लूंगा थोड़े यार, तो मैं कब कह रहा हूँ विश्वास करो तो सभी तकरीबन अच्छी हैं, क्योंकि मैंने सुना है, अच्छा सभी तकरीबन अच्छी हैं, तो सभी के साथ आप चर्चा में आ जाते हो जिसके साथ भी गाना करते हो, ऐसा क्यों होता है? देखिए मैं मानता हूँ कि लड़कियां दो तरह की होती हैं, एक अच्छी एक बहुत अच्छी हमें आपकी हरकत नहीं अच्छी लग रही नहीं ये तो मेरे घर वालों को भी अच्छी नहीं लगती मैं बताऊं कि मेरा बेटा है 18 साल का, तो उसकी उम्र है यार मतलब ये सब चीज करने की, मेरी नहीं है छोड़ो यार ये बात आप ऐसे कर रहे हो सच में सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। तो मैं चाहूंगा हमारी ये मुलाकात किस दिन बैठ के रूहानी वाली हो, है ना, किस दिन बैठे हम भाई बनाए घोटना बनाए शरदाई बनाए, है ना, इकट्ठे बिल्कुल, खुद भी हम पिए और आप लोगों को साथ में बैठने का मौका मिले, हम साथ में हो।